के लिए बिग बॉस ने भड़काया है एमसी स्टैन और शिव ठाकरे को, वो भी कन्फेशन रूम में बुला के। भाई बिग बॉस जो है इस बार खेल रहे हैं, पर मैं सच बोलूं कि अगर बिग बॉस हकीकत में इस घर में खेल रहे होते तो बिग बॉस जो है नेगेटिव पर्सनालिटी कहलाते। आपका क्या विचार है बताइए जरूर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों ने कल का एपिसोड देखा जहां पर नॉमिनेट हो गए हैं और बिग बॉस ने एक तीली लगाई कि भाई एक टीम तो जीत गई है एक इंसान की वजह से और दूसरी टीम जो है वो हार गई है एक इंसान की वजह से, जहां पर शिव ठाकरे और एमसी स्टैन और निमृत को बताया बिग बॉस ने, सुम्बुल ने 17 मिनट लिए हैं, जहां पर सुम्बुल को हालांकि शिव ठाकरे निमृत ने ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला, पर ऑटोमेटिकली जो है सुम्बुल का मूड ऑफ हुआ। किसी का भी होगा यार, मेरी वजह से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट देती है, तो वहां पर ये तीनों दोस्त जो है को समझ नहीं पाए, जहां पर बड़ी बड़ी बातें जो है एमसी स्टैन कहते हुए नजर आए कि यार मेरे भी छोटे भाई बहन है, क्या इतनी ज्यादा छोटी है, मैं तो नहीं मानता हूं, इतना इतने बड़े शो में आई है, इतना कमाती है, इतना घर चलाती है, सिंपथी कार्ड जो है वो प्ले करती है, विक्टिम कार्ड जो है वो प्ले करती है, ये चीजें जो है काफी ज्यादा बुरी लगी बिग बॉस को। तो बिग बॉस ने क्या किया, बिग बॉस ने बुला लिया कन्फेशन रूम में एमसी स्टैन और शिव ठाकरे को और वहां पर बोल दिया कि भाई आप कर क्या रहे हैं, आप विक्टिम कार्ड क्यों नहीं प्ले कर रहे। जहां पर शिव और एमसी स्टैन तो यही बोलते नहीं सर हम तो डे वन से ही ये सब चीजें नहीं करती हैं, तो बिग बॉस बोलते कुछ तो चल रहा है, आपने पूरा दिन हो गया क्या किया है, सिर्फ एक इंसान को मनाने के लिए आपने 3-3.5 घंटे जो है वो कर दिए हैं वेस्ट। वहीं पर दूसरे लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है पलटते हैं बदलते हैं, जहां पर निमृत की लड़ाई हुई अर्चना के साथ तो निमृत ने जाके वहां पर बात करनी शुरू कर दी, उसके साथ माफी मांग ली, वहीं पर सुम्बुल जो है वो सुम्बुल को तुम मनाने के लिए लगे हुए, सुम्बुल भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है ये सब चीजें करती है। जहां पर इतने ज्यादा भड़काया बिग बॉस ने शिव ठाकरे को और एमसी स्टैन को, जहां पर ये दोनों बोलते हैं हाँ हाँ सर हम लोग ऐसे हैं वैसे हैं, हम लोग फिर मना लेते हैं, ऐसा करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए, यानी कि ऐसा है कि जलती हुई आग को कोई अच्छा इंसान जो है बुझाने की कोशिश करता है, पर सच में जब कोई बुरा इंसान होता है तब वो बड़ा खुश होता है कि यार उसके घर में आग लग रही है तो इसमें मैं और थोड़ा सा पानी नहीं रेत नहीं मैं पेट्रोल डाल दूं कि भाई ये आग कभी बुझ ही ना पाए, और बिग बॉस भी यही सब चीजें कर रहे हैं। और इन चीजों से जो है बिग बॉस का तो हमेशा भी नाम खराब होता ही है, पर सबसे ज्यादा नाम जो है शिव ठाकरे और एमसी स्टैन और निमृत का हो रहा है, क्योंकि सुम्बुल ने कुछ भी नहीं बोला है, और तो वहां एमसी स्टैन तो ये भी बात बोल रहे हैं, एमसी स्टैन ने तो पहले ही बोलना शुरू कर दिया था, ये छोटा चेतन देखा क्या सब बातें बोलता है, इसकी तो बाबा मेरे को समझ नहीं आती, भाई तुम्हारी दोस्ती अभी दिखाई दे रही है, तुम कन्वीनियंस के हिसाब से कितना चलते हो और किसने कितनी दोस्ती दिखाई है ये हमें पता है, और जनता सुम्बुल को प्यार करती है ये भी पता है, तुम लोग कैसे अपना असली चेहरा लास्ट के दिनों में सामने लेके आए हो ये भी पता चल चुका है। अभी जनता क्या बोलना चाहेगी बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में अपने विचार। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।